क्या कभी सोचा है शेर और बाघ के बीच कौन सा जानवर सबसे ज्यादा ताकतवर होगा? एक ही परिवार से संबंध रखने वाले यह दो जानवर उदाहरण है हिम्मत और बेखौफ दिल का। अपनी काली धारियों और रेडिश ऑरेंज कोट से मशहूर बाघ दुनिया की सबसे बड़ी जंगली बिल्ली है। भगवान ने इसे खूबसूरती, फुर्ती और आक्रामकता जैसे गुणों से नवाजा है। अपने बड़े शरीर और मजबूत पंजों के साथ बाघ एक खतरनाक शिकारी है जो वाइल्ड लाइफ में अपनी दावेदारी सबसे ऊपर रखता है। हालांकि अभी भी शेर को जंगल का राजा कहा जाता है, लेकिन सही मायने में बाघ एक ऐसा शिकारी है जो सच में जंगल का राजा कहलाने लायक है। राजा इसलिए क्योंकि यह जीव अपने आप में एक आर्मी है। इस पशु को जीवित रहने के लिए झुंड की जरूरत नहीं होती। एक बाघ पूरी उम्र अकेला रहता है, अकेले शिकार करता है और केवल मिलन के लिए ही मादा बाघ के पास आता है। आपने फिल्म का प्रचलित डायलॉग तो जरूर सुना होगा, झुंड में तो सुअर आते हैं लेकिन शेर अकेला ही आता है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो शेर की प्रजाति झुंड में आ सकती है, लेकिन एक बाघ हमेशा अकेला आता है और सब कुछ अपने पीछे तहस नहस करके चला जाता है। आज की इस वीडियो में हम बाघ की कुछ दिलचस्प बातें जानेंगे और साथ में यह भी जानेंगे कि आखिरकार वह कौन सी बात है जो इसे जंगल में सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रहस्य एंड नेचर की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल के आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। जंगल की दुनिया में बाघों को सबसे सुंदर और क्रूर व निर्दयी जानवर माना जाता है और शायद यही एकमात्र कारण है जो इन्हें और भी ज्यादा दिलचस्प प्राणी बनाता है। हम इस जानवर को अपने राष्ट्रीय पशु के रूप में जानते हैं, लेकिन यह सवाल उठता है कि हम इस जीव के बारे में कितना जानते हैं। देखा जाए तो शायद बेहद ही कम। शारीरिक बनावट में सुंदर और कई हिडन फीचर लिए बाघ सभी वाइल्ड कैट्स में सबसे लंबा होता है। मूल रूप से एशिया में पाए जाने वाला यह जानवर आकार में 2 से 3 मीटर तक होता है। 3 फीट लंबी पूंछ के साथ साथ इसका वजन 300 किलो तक होता है। हैरानी की बात है कि इतना भारी भरकम होने के बावजूद भी इसकी फुर्ती देखने लायक होती है। जंगल में शिकार करते हुए जब एक बाघ दहाड़ लगाता है तो इसकी 18 हॉर्स की आवाज 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। बाघ मांसाहारी जानवर होता है जो अपने पसंदीदा शिकार के तौर पर भैंस, हिरण जैसे शिकारों को अपना भोजन बनाता है। बड़ा शरीर होने के नाते इस जीव को ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, इसलिए यह बड़े से बड़े शिकार पर घात लगाते हैं। यह एक बार में 27 किलो तक मांस खा सकते हैं। कहते हैं एक बाघ का वार कभी खाली नहीं जाता। बाघ की 2 खूबसूरत आंखें इन्हें इंसानों से 6 गुना ज्यादा साफ देख पाने की शक्ति के साथ इन्हें रात के शिकार करने की ताकत भी देती है। आमतौर पर बाघ शिकार करने के लिए रात का इंतजार करते हैं। यह जीव हमले से पहले एक बेहतरीन रणनीति तैयार करते हैं, छिपकर अपने शिकार की हर हरकत पर नजर रखते हैं और सही मौका आने पर गर्दन के पिछले हिस्से पर वार करते हैं। इस हमले में बाघ अपने नुकीले दांतों और पंजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि एक बाघ हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है और फिर सीधे अपने दांत उसकी गर्दन में घुसा के इसे अपना भोजन बना लेता है। इस हमले में हिरण को बचने का कहीं मौका नहीं मिलता। वहीं दूसरी क्लिप में मृग अपने आप को बचाने के लिए अपने सिंह का प्रयोग कर बाघ को घायल करने का प्रयास करता है, लेकिन बाघ अपने पंजों की मदद से उसकी गर्दन को पकड़कर उसमें दांत चुबा देता है। बस कुछ ही देर में मृग गहरी नींद में सो जाता है। बाघ के ऊपरी और निचले हिस्से के 2-2 दांत बाकी दांतों की तुलना में काफी बड़े और नुकीले होते हैं जो इन्हें शिकार को पकड़ने और उसके गला घोटने में उसकी मदद करते हैं। दांतों के अलावा बाघों के पास मजबूत पंजे होते हैं। इसके पंजे का एक ही वार काफी है शिकार को धूल चटाने के लिए। कहते हैं कि बाघ की टांग में इतनी शक्ति होती है कि मरने के बाद भी वह कुछ समय खड़ा रह सकता है। चलिए बाघ के कुछ और शिकार देखते हैं। जब बाघ भूखा होता है तो बेहद ही खतरनाक और आक्रामक हो जाता है। शिकार मिलते ही बाघ कुछ समय का इंतजार भी नहीं करते और उन पर टूट पड़ते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो क्लिप में देख सकते हैं कि कैसे शेर ने बिना समय गवाए अपने शिकार पर काबू पाकर अपनी भूख को शांत किया। यही कुछ बातें हैं जो बाघ को जंगल का खतरनाक और आक्रामक शिकारी बनाती है। बाघ के पास असीम ताकत तो होती ही है, लेकिन ये अपनी ताकत और चतुराई का इस्तेमाल करके अपना शिकार अकेले ही करता है।
और बड़ी शान से जंगल में बेखौफ होकर घूमता है। बाघ अपने आप में बेहद ही खूबसूरत और खतरनाक जानवर है। यह अपनी बुद्धि और ताकत दोनों का इस्तेमाल एक साथ करता है और अपने शिकार पर तुरंत काबू पा लेता है। तो दोस्तों, आपकी नजर में जंगल का राजा कौन है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। साथ ही वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।